एजेंडा लेकर जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उसके लिए तीन मुहिमें प्रमुखता से हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें रोजगार मेरा अधिकार सबसे पहली है, जहाँ हर युवा को रोजगार का अधिकार मिले। 75% हर प्राइवेट रोजगार में भी हरियाणा के मूल निवासियों के लिए आरक्षण, और ये केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, आज हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों ने ये कानून लागू किया है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये सरकार इस मुहिम में हमारा साथ दे तो हम उसका स्वागत भी करेंगे। ये अधिनियम को आगामी सेशन में मॉनसून में सरकार लाकर पारित कर देगी। दिग्विजय का एक बयान आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है INIT ज्वाइन करने वाले हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। मुख्यमंत्री का दावा मेरे संज्ञान में नहीं, मैं तो सुबह का सफर में हूँ, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का बयान भी कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को। ओपी चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मीटिंग भी हुई है, ऐसा कुछ पता लग रहा हुई है, जिस तरह की बढ़ाइयाँ चल रही है जी जी, और अगर इस तरह की बात हो तो इसमें क्या शंका होगी। उनने तो बगावती सुर कांग्रेस में पहले दिखा रखे, जिस तरह की बात सुनने में आप लोगों के माध्यम से आई कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गतिविधि उनके भी पाले में चल रही है। दुष्यंत जी, लोकसभा चुनावों में खाता नहीं खुल पाया पार्टी का, तो विधानसभा चुनावों में किस तरह से आपने मेहनत करने के लिए तो लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव दो अलग तरीकों से लड़ा गया। लोकसभा का चुनाव लड़ा गया पहली इस सोच के साथ कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, और वहाँ नरेंद्र मोदी को लोगों ने अपनाया और नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष हुआ। हरियाणा के अंदर भी हैरानी इस चीज़ को देखकर हुई कि 223 लोकसभा के उम्मीदवार मैदान में 10 सीटों पर और 203 लोगों की जमानत जब्त, जमानत बची कि इनकी 10 जो चुनाव जीते और 10 जो उनके कंपटीशन में सामने खड़े। ये अपने आप में मैंडेट को साबित कर देता है कि लोगों ने एक तरफा पोलिंग करी, और ऐसा व्यक्ति आपकी लोकसभा से जीतता है जो जमानत जब्त विधानसभा में भी करा चुका है, जमानत जब्त शायद MC चुनाव में भी करा चुका है, और वो इस देश के अंदर सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से जीतता है, तो अपने आप में साबित है कि वोट उनको नहीं मिले, वोट नरेंद्र मोदी को मिले। लोगों ने इस चीज़ को देखा समझा। विधानसभा के जब हम चुनाव की बात करेंगे परिस्थिति अलग होगी, इधर मनोहर लाल खट्टर होंगे, उनके विधायक होंगे, उनके वो साथी होंगे जो और पार्टियों को छोड़कर आज उनके साथ शामिल हैं, और उसको देखते हुए लोगों ने वोट डालना है। और मैं ये मानता हूँ जब उसकी बात आएगी तो लोग जननायक जनता पार्टी को प्राथमिकता देने का काम। तो दूसरी पार्टियों की विपक्ष की बात करें तो संगठन उनके भी कहीं ना कहीं इतने मजबूत अभी नहीं बन पाए हैं, तो लगता है कि 2 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है, कोई गठबंधन और नहीं हो सकता। एक चीज मैं बता दूं बहुत अच्छी तरीके से कि 2009 के अंदर जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी भिवानी से चुनाव आ रहे थे तो हम गठबंधन में BJP के साथ 10 की 10 सीटें आ, और लोग कहते थे तो 9 के 2 हो जाएंगे, मगर 9 के 2 नहीं हुए थे, 9 के 32 हुए थे, और जिस हुड्डा को लोग 80 पे ले जाने का काम करते थे वो 40 पे आ गए। तो जो लोग 75 की बात कर रहे हैं क्या पता वो 4 के 47 हुए वापस 4 पे आ गए, समय किसी का नहीं। आपको तेलंगाना की बताऊं तो वहाँ YSR ने दोबारा चुनाव जीते, उसने चंद्रशेखर ने दोबारा तेलंगाना पार्टी ने चुनाव जीते। आप आंध्र की बात करिए, चंद्रबाबू नायडू ने जगन रेड्डी की YSR पार्टी के 3 सांसद और 17 विधायक को 2017 में अपनी पार्टी में लिया था, उनके संगठन को हल्का लेवल तक भी तोड़ दिया, पर उनने मेहनत करी और 19 के नतीजे क्या लेकर आए कि आंध्र प्रदेश में TDP के तो 17 MLA और 3 MP और एक तरफा बहुमत के साथ YSR की सरकार बनी। ये बदलाव विधानसभा चुनाव में से क्या खास मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जाए भी, आप चुनाव शुरू तो होने, मुख्यमंत्री सत्ता पर 100 दिन का एजेंडा लेकर चल रहे हैं जिसमें बूथ लेवल तक जाकर मुख्यमंत्री सत्ता प्लस का नारा दे रहे हैं इस बार जोड़े, और लोगों की जो मूलभूत समस्याएं उसको अपना एजेंडा बनाकर कैसे आने वाले भविष्य में जब राज बनेगा उसको सुधारेंगे, उस पर काम। एक सेल्फी मामला हुआ था करनाल में, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इतना बोलूंगा कि एटीट्यूड और एरोगेंस दोनों देखने को मिला कि 10 सीटें जीतने का घमंड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फिर माथे चढ़ गया। तो अभी 70 प्लस का नारा दिया उन्होंने आज, कोई बात देने से कोई आ जाएंगे। राहुल गांधी ने 72,000 रुपए देने की बात करी थी, किसी के खाते में आए?
नरेंद्र मोदी 15 लाख की बात करते थे, आगे आपके एजेंडा लेकर नायक जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उसके लिए 3 मुहिमें प्रमुखता से हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें रोजगार मेरा अधिकार सबसे पहली है। यहाँ हर युवा को रोजगार का अधिकार मिले, 75% हर प्राइवेट रोजगार में भी हरियाणा के मूल निवासियों के लिए आरक्षण, और ये केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, आज हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों ने ये कानून लागू किया है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये सरकार इस मुहिम में हमारा साथ दे तो हम उसका स्वागत भी करेंगे, ये अधिनियम को आगामी सेशन में मानसून में सरकार लाकर पारित कर देंगे। सचिव दिग्विजय का एक बयान आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है INLT ज्वाइन करने वाले हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, मुख्यमंत्री का मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं तो सुबह का सफर में हूँ, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयान भी कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को, ओपी चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मीटिंग भी हुई है ऐसा कुछ पता लग रहा है, मीटिंग हुई है जिस तरह की बढ़ाइयाँ चल रही है जी जी, और अगर इस तरह की बात हो तो इसमें क्या शंका होगी, उनने तो बगावती सुर कांग्रेस में पहले ही दिखा रखे, जिस तरह की बात सुनने में आप लोगों के माध्यम से आई कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गतिविधि उनके भी पाले में चल रही है। दुष्यंत जी, लोकसभा चुनावों में खाता नहीं खुल पाया पार्टी का, तो विधानसभा चुनावों में किस तरह से आपने मेहनत करने के लिए कार्यक्रम, तो लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव 2 अलग तरीकों से लड़ा गया, लोकसभा का चुनाव लड़ा गया पहली इस सोच के साथ कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, और वहाँ नरेंद्र मोदी को लोगों ने अपनाया और नरेंद्र मोदी वर्सेज विपक्ष हुआ, हरियाणा के अंदर भी हैरानी इस चीज़ को देखकर हुई कि 223 लोकसभा के उम्मीदवार मैदान में 10 सीटों पर और 203 लोगों की जमानत जब्त, जमानत बची किनकी, 10 जो चुनाव जीते और 10 जो उनके कंपटीशन में सामने खड़े, ये अपने आप में मैंडेट को साबित कर देता है कि लोगों ने एक तरफा पोलिंग करी, और ऐसा व्यक्ति आपकी लोकसभा से जीतता है जो जमानत जब्त विधानसभा में भी करा चुका है, जमानत जब्त शायद MC चुनाव में भी करा चुका है, और वो इस देश के अंदर 2nd highest नंबर ऑफ वोट से जीतता है, तो अपने आप में साबित है कि वोट उनको नहीं मिले, वोट नरेंद्र मोदी को मिले हैं, लोगों ने इस चीज़ को देखा समझा। विधानसभा के जब हम चुनाव की बात करेंगे परिस्थिति अलग होगी, इधर मनोहर लाल खट्टर होंगे, उनके विधायक होंगे, उनके वो साथी होंगे जो और पार्टियों को छोड़कर आज उनके साथ शामिल होंगे, और उसको देखते हुए लोगों ने वोट डालना है, और मैं ये मानता हूँ जब उसकी बात आएगी तो लोग जननायक जनता पार्टी को प्राथमिकता देने का काम। तो दूसरी पार्टियों की विपक्ष की बात करें तो संगठन उनके भी कहीं ना कहीं इतने मजबूत अभी नहीं बन पाए हैं, तो लगता है कि 2 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है गठबंधन। आपको एक चीज मैं बता दूं बहुत अच्छी तरीके से कि 2009 के अंदर जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी भिवानी से चुनाव आ रहे थे तो हम गठबंधन में BJP के साथ 10 की 10 सीट तैयार, और लोग कहते थे तो 9 के 2 हो जाएंगे, मगर 9 के 2 नहीं हुए थे, 9 के 32 हुए थे, और जिस हुड्डा को लोग 80 पे ले जाने का काम करते थे वो 40 पे आ गए, तो जो लोग 75 की बात कर रहे हैं क्या पता वो 4 के 47 हुए वापस 4 पे आ गए, समय किसी का नहीं। आपको तेलंगाना की बताओ तो वहाँ YSR ने दोबारा चुनाव जीते, उसने अपने चंद्रशेखर ने दोबारा तेलंगाना पार्टी ने चुनाव जीते। आप आंध्रा की बात करिए, चंद्रबाबू नायडू ने जगन रेड्डी की YSR पार्टी के 3 सांसद और 17 विधायक को 2017 में अपनी पार्टी में लिया था, उनके संगठन को हल्का लेवल तक भी तोड़ दिया, मगर उनने मेहनत करी और 19 के नतीजे क्या लेकर आए कि आंध्र प्रदेश में TDP के तो 17 MLA और 3 MP और एक तरफा बहुमत के साथ YSR की सरकार बनी। ये बदलाव तो विधानसभा चुनाव में से क्या खास मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जाए, आप चुनाव शुरू तो होने, मुख्यमंत्री सत्ता अपना 100 दिन का एजेंडा लेकर चल रहे हैं जिसमें बूथ लेवल तक जाकर मुख्यमंत्री सत्ता का नारा देंगे इस बार जोड़े, और लोगों की जो मूलभूत समस्याएं उसको अपना एजेंडा बनाकर कैसे आने वाले भविष्य में जब राज बनेगा उसको सुधारेंगे उस पर काम। एक सेल्फी मामला हुआ था करनाल में, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इतना बोलूंगा कि एटीट्यूड और एरोगेंस दोनों देखने को मिला कि 10 सीटें जीतने का घमंड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फिर माथे चढ़ गया। तो अब भी 70+ का नारा दिया उन्होंने आज, कोई बात देने से कोई आ जाएंगे,
राहुल गांधी ने 72,000 रुपए देने की बात करी थी, किसी के खाते में आए? नरेंद्र मोदी 15 लाख की बात करते थे, आगे आपके। तो ये चीजें बोलने की अलग होती है, ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत अलग। आम आदमी पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा।